यस प्रिंस, गुड आफ्टरनून। कैन वी स्टार्ट? पावर नैप हो गया ना? क्या होना बाकी है अभी? हाँ ठीक है, सवा तास है अभी अपना, तो उसमें बड़ा वाला पावर नैप ले सकते हैं आप। ठीक है, रुको जरा, एक तो पॉइंट तो पहले कंप्लीट कर लूँ। चलिए, कैन वी डिस्कस द प्रोविजन? हाँ, वही स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। 2019 के सेकेंड बजट फाइनेंस एक्ट नंबर सेकेंड, इलेक्शन के बाद जो जुलाई में आया था, उसमें सरचार्ज रिलेटेड एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट क्या था? अगर आपका इनकम 0 to 50 lakhs है तो सरचार्ज रेट विल बी निल। 50 lakhs से लेकर के 1 crore तक है तो सरचार्ज रेट करा गया 10%। 1 crore से 2 crore तक है तो सरचार्ज रेट वॉज 15%। एंड अगर आपका टोटल इनकम 2 crore के ऊपर जा रहा है अप टू 5 crore तो सरचार्ज रेट किया गया 25%। एंड इफ योर इनकम इज अबव 5 crore तो यहां पे सरचार्ज रेट किया 37%। इसको नाम दिया गया इन दैट बजट एनहांस्ड सरचार्ज, एनहांस्ड सरचार्ज। एंड इसको नाम दिया नॉर्मल सरचार्ज। अब हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जब ये एनहांस सरचार्ज की अनाउंसमेंट हुई, स्टॉक मार्केट में वेरी हाई रेट से फॉल हुआ था, मतलब स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट से नीचे आया था, राइट? अब जिसकी वजह से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। एंड अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या होता है समझिए, जब भी एक्ट में कोई चेंज करना हो तो कहां पे चेंज करने की पावर है? पार्लियामेंट में, राइट? बट समटाइम्स अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो एंड पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो इन दैट केस टेम्पररी लॉ बना सकते हैं, वो पावर दिया गया प्रेसिडेंट को। ओके, अब आपको बताया कि देर आर 3 sessions इन अ ईयर ऑफ पार्लियामेंट, राइट? विंटर सेशन, समर सेशन, सुना रहेगा आपने। तो समटाइम्स अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो एंड लॉ इमीडिएटली चेंज करना है तो वैसे चेंज करने की पावर है पार्लियामेंट के पास, लेकिन पार्लियामेंट उस टाइम अगर सेशन में ना हो तो रुक नहीं सकते ना। 2-3 months, 3-4 months जब भी पार्लियामेंट सेशन में आएगी तब चेंज करने के लिए रुक नहीं सकते। तब प्रेसिडेंट के पास पावर दिया गया कि आप एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो एंड वो ऑर्डिनेंस बनेगा टेम्पररी लॉ। ऑब्वियसली रिकमेंडेशन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फ्रेम करेगा, इट विल बी गिवन टू प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। प्रेसिडेंट के साइन करते ही वो होगा टेम्पररी लॉ। देन कमिंग, अब ये टेम्पररी लॉ की टाइम होती है 6 months विच कैन बी एक्सटेंडेड विद द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो आने वाले पार्लियामेंट सेशन में ये ऑर्डिनेंस रखा जाएगा एंड वहां पे इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अगर वो अप्रूव होता है देन इट विल बिकम फाइनल एक्ट। ओके, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2019 पास किया गया इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में ये चेंज करना जरूरी था क्योंकि स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था, सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर पैसे लेकर के जा रहे थे, राइट? तो चेंज क्या किया गया, स्टॉक मार्केट से जो ट्रेडिंग करते हैं उस पर 2 tax लगते हैं। अगर लॉन्ग टर्म हो तो 112A लगता है, शॉर्ट टर्म हो तो 111A लगता है। तो ऑर्डिनेंस में यह चेंज किया गया कि एनहांस सरचार्ज ये 112A एंड 111A पे नहीं लगेगा। मतलब 112A वाला इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स एंड 111A वाला इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स, उस पे ये सरचार्ज ही लगेंगे। इसका इंप्लीकेशन समझिए। नाउ एवरीवन पे अटेंशन, आर एवरीवन विद मी? सपोज आपका टोटल इनकम, अब टोटल इनकम में अदर इनकम, 111A वाला इनकम एंड 112A वाला इनकम इंक्लूडिंग ऑल अगर 0 to 50 lakhs है तो यहां पे सरचार्ज रेट होगा 10%, सॉरी नील, राइट? एंड आपका अगर टोटल इनकम यानी कि अदर इनकम, अदर इनकम में कोई भी बाकी सारे इनकम जोड़े जाएंगे, 111A एंड 112A अगर ये 50 lakhs के ऊपर है अप टू 1 crore तो सरचार्ज लगेगा 10%, यानी कि अदर इनकम पे भी 10% एंड ये 111A 112A का जो टैक्स आएगा
इसका जो टैक्स आएगा उस पे भी 10% सरचार्ज लगेगा, ठीक है। अगर आपका टोटल इनकम यानी कि अदर इनकम 111A वाला इनकम, 112A वाला इनकम 50 लाख से ऊपर है बट अप टू सॉरी 1 करोड़ से ऊपर है अप टू 2 करोड़, तो ऑन ऑल टैक्स सरचार्ज विल बी 15%, यानी कि अदर इनकम पे जो टैक्स आ रहा है उस पे भी 15% होगा, ये दोनों इनकम पे जो टैक्स आ रहा है उस पे भी 15% से सरचार्ज लगेगा। हैव यू अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट लिसन टू दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। अगर आपका अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, अदर इनकम आपका 2 करोड़ के ऊपर है, मतलब हो सकता है आपका सैलरी इनकम हो, पीजीपी इनकम हो, कोई भी इनकम हो, ये दो इनकम छोड़ करके अगर ये 2 करोड़ के ऊपर है तो इस पे सरचार्ज कितना लगेगा? 25%। एंड आपके टोटल इनकम में 111A एंड 112A वाला भी इनकम है, इन एनीवे जब अदर इनकम ही 2 करोड़ के ऊपर गया तो ये तो इन एनीवे 2 करोड़ के ऊपर वाला ही इनकम होगा, राइट। लेकिन इसके ऊपर अब 25% नहीं लगेगा, इसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है उस पे 15% से सरचार्ज लगेगा, मतलब जो ओरिजिनल नॉर्मल सरचार्ज था वो, ये एनहांस सरचार्ज सिर्फ अदर इनकम पे लगेगा। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एग्जांपल से और क्लैरिफाई होगा। देन आपका अदर इनकम अगर 5 करोड़ के ऊपर है, यहां पे 2 करोड़ टू 5 करोड़, एंड 111A वाला भी इनकम है, 112A वाला भी इनकम है, तो अदर इनकम जो 5 करोड़ के ऊपर है उस पे सरचार्ज लगेगा 37%, एंड ये दो जो भी इनकम हो उसके ऊपर टैक्स आ रहा है उस पे सरचार्ज अभी भी 15% लगेगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां पे एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी में से 112A एंड 111A निकाल दिया गया, मतलब 112A एंड 111A पे नॉर्मल सरचार्ज ही आएगा, भले आपका अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर हो या 5 करोड़ के ऊपर हो। हैव यू अंडरस्टूड? भाई उस टाइम का सेशन आपको दिखा दो, जस्ट एक ही मिनट का अनाउंसमेंट है, वैसे बाकी अनाउंसमेंट अपने लिए रिलेवेंट नहीं है। क्या चल रहा है? ये देखिए FM गिफ्ट्स टू इकोनॉमी, पहले इंक्लूड किया एंड बाद में एक्सक्लूड करने के बाद कहा गया कि गिफ्ट टू इकोनॉमी। तेल रगड़ रगड़ कर हाथ घिस गए पर बाल उड़े जा रहे कोच साहब। अबे डंबेल, जैसे सिर्फ प्रोटीन शेक से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही बाल उगाने के लिए सिर्फ तेल नहीं पूरा सॉल्यूशन चाहिए। ट्राया ट्राई कर, फ्री हेयर टेस्ट लो, कस्टमाइज किट और डाइट प्लान मिलेगा, सिर्फ 5 महीने में रिजल्ट्स देखो, नहीं तो पैसे वापस, और गाइडेंस के लिए मेरे जैसा कोच भी मिलेगा। सही है कोच, लिसन टू दिस। The much awaited. Right click, madam. Yes, please. Yes. Relief from enhanced surcharge on long-term and short-term capital gains. In order to encourage investment in the capital market, it has been decided to withdraw the enhanced surcharge levied by the Finance No. 2 Act of 2019, the recent budget time, on long and short-term capital gains. Arising from transfer of equity or shares and units referred in section 11A and 112, sorry, 111A and 112A respectively. In other words, the enhanced surcharge on FPI goes, in simple words. In other words, the pre-budget position is restored. Surcharge on domestic investors too in the equity market goes. Pre-budget position is restored. मतलब simple words में कोई भी domestic person sell कर रहा है stock market से या foreign institutional investors sell कर रहे stock market से, अगर income 2 crore या 5 crore के ऊपर हो जब enhanced surcharge लग रहा था, तो ये दो income पे जो tax आ रहा है उस पर enhanced surcharge अब नहीं लगेगा, right? बस इतना ही सा अनाउंसमेंट था, उसके बाद इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट इट हैज बीन डिसाइडेड टू विदड्रॉ द एनहांस्ड सरचार्ज लेवीड
by the finance number 2 act of 2019, the recent budget time, on long and short term capital gains arising from transfer of equity or shares and units referred in section 11A and 112 in simple words. In other words, the pre-budget position is restored. Domestic investors too in the equity market goes. Pre-budget position is restored. So बस और क्या चाहिए? Or do you want to hear, you don't want to hear anything more? बस ये उड़ता है. No, we are going on the other thresholds. Other provisions अभी के लिए कोई relevant नहीं है. मैं breaking news तो यही है. Now, में आएगा देखिए. I am using an expression which is used commonly. Enhance surcharge on capital gains. ये breaking news. Thinks about angel tax provisions. अब इसका startup से related अपने syllabus का part नहीं है. ओके तो जब अपने सिलेबस का पार्ट नहीं उसकी मैं थोड़ी ना टाइम वेस्ट करेंगे क्या 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 स्टार्टअप हाँ तो वो फाइनल में उसके टैक्स प्रोविजन पढ़ लेना ठीक है हाँ कमिंग बैक अभी और स्टोरी है हैव यू अंडरस्टूड सो फार एग्जांपल से थिंग्स विल गेट मोर क्लियरर बट देन फिलहाल बस इतना समझे 111 या 112 ए वॉट एवर बी द इनकम उस पर एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा एट द मोस्ट 10% या 15% लगेगा ओके अब दूसरी कहानी है डिविडेंड से रिलेटेड 2019 के पहले डिविडेंड जो था वो शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट था क्यों क्योंकि सपोज कोई कंपनी से रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है से ये शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड मिल रहा है अब सोचिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे राइट सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 100 लाख का प्रॉफिट अर्न करा है दिस एक सिंपल सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल एंड उनको टैक्स लग रहा है 30% तो यहां पे आफ्टर टैक्स उनका नेट प्रॉफिट कितना बचेगा 70 लाख अब ये 70 लाख में से सम अमाउंट दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग एज डिविडेंड पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे सम अमाउंट दे विल रिटेन विद देमसेल्व्स इसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स ओके सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 70 लाख में से 30 लाख खुद के पास रखा 40 लाख उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया ओके ये डिविडेंड उनके लाख ऑफ शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में मिलेगा ओके अब बताइए सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी उसके 10 लाख शेयर होल्डर्स है हर एक शेयर होल्डर को एक प्रोपोर्शनेट 4-4 रुपए डिविडेंड मिलेगा ठीक है उस शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में नाउ दिस डिविडेंड विल बी अ पार्ट ऑफ इनकम इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर राइट जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए अब गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए टैक्स कलेक्ट करना किससे बेटर होगा कंपनी से यहां पे ही टैक्स कलेक्ट करके शेयर होल्डर्स को एग्जम दे या 10 लाख शेयर होल्डर्स से इनकम टैक्स कलेक्ट करे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल होगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल होगा कहां पे गवर्नमेंट ये 10 लाख शेयर होल्डर्स को सर्च करते बैठेगी बहुत सारे शेयर होल्डर जिनको कम छोटा मोटा डिविडेंड मिल रहा है वो तो इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट भी नहीं करेंगे राइट तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम शेयर होल्डर्स के हाथों में एग्जम करेंगे कंपनी को कहेंगे 40 लाख तुम डिविडेंड देने वाले हो शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स का इनकम होने वाला है आप क्या करो यही पे टैक्स पे करो जिसको नाम दिया गया कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ओके से टैक्स रेट वॉज 20% तो यहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पे 20% टैक्स डिडक्ट करेगी खुद का ये जो 30 लाख है ये कंपनी का टैक्स है ओके 40 लाख पे 20% दैट इज से 8 लाख रुपीज जो टैक्स पे कर रही है ये खुद का इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है शेयर होल्डर्स के इनकम के ऊपर वो टैक्स था ठीक है एंड बैलेंस ऑफ 32 लाख जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी एज अ डिविडेंड नाउ टेल मी ये 32 लाख है ये टैक्स पेड इनकम है ना ऑलरेडी इसमें से टैक्स लेस हो चुका है तो दिस टैक्स पेड मनी व्हेन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स नाउ शेयर होल्डर्स के हैंड में इट वॉज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर का टैक्स कंपनी ने पे करा हुआ है ओके ये कहानी थी 2019 के पहले ओके अब 2019 के बजट में गवर्नमेंट ने सोचा कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लायंस बर्डन बढ़ रहा है आपको पता रहेगा बीजेपी गवर्नमेंट का एजेंडा हमेशा बिजनेस सेक्टर को प्रमोट करने का रहता है वैसे हर एक
पार्टी का, एक पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ तो एजेंडा होता है. कांग्रेस मोस्टली सपोर्ट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, बीजेपी मोस्टली सपोर्ट्स अ बिजनेस एक्टिविटी. तो हर साल जो वर्ल्ड बैंक का सर्वे होता है एज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुना है आपने, फाउंडेशन में भी हमने देखा था एज ऑफ डूइंग बिजनेस. इसमें 2014 के पहले अपनी कंट्री 143 रैंक पे थी आउट ऑफ 190 कंट्रीज. 190 में से 143 रैंक था अपने यहां पे. मतलब बिजनेस करना हो तो हर कंट्री का सर्वे होता है बाय वर्ल्ड बैंक. तो कौन से कंट्री में बिजनेस करना बहुत सिंपल है उसको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा. तो वी वेर स्टैंडिंग 143rd, क्योंकि अपने कंट्री में बिजनेस करना बहुत मुश्किल था. बिजनेस करना मतलब स्टार्ट करना, कंप्लायंस, एक सिंपल सा बिजनेस अगर स्टार्ट करना हो तो इतने सारे लाइसेंस लेने होते हैं. शायद से मैंने बताया भी था फाउंडेशन में कि एक मेरा जो फ्रेंड था जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, उसको MIDC में परचेस किया था उसने लैंड. ऑलमोस्ट सिक्स मंथ से ज्यादा उसका निकल गया सिर्फ कंप्लायंस करने में. MIDC से अप्रूवल लो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अप्रूवल लो, वाटर कनेक्शन का NOC लो, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, टाउन प्लानिंग का अप्रूवल लो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अप्रूवल लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑलमोस्ट सिक्स मंथ से ज्यादा टाइम निकल गया, उसने लास्ट बिजनेस करना ही डिसाइड कैंसिल किया. ठीक है, मीन्स दिस इज अ प्रॉब्लम इन आर कंट्री, इतने सारे कंप्लायंस होते हैं. एंड उसमें से ये एक और बर्डन कंपनी के ऊपर कि आप खुद का टैक्स पे करो तो वो करो, शेयर होल्डर्स का भी टैक्स पे करो. अब देखिए कंपनी को कितना सारे शेयर होल्डर्स का ये टैक्स रिकॉर्ड्स, ये टैक्स डिडक्ट करके इसका पेमेंट करना चलन से, उसका रिटर्न अलग से फाइल करना, एंड देन ये टैक्स पेड मनी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना. अननेसेसरी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लायंस बर्डन बढ़ रहा था. ओके, गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था कि ये एज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बिजनेस करना सिंपल करेंगे, इसीलिए ये कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कैंसिल करा. कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का पहले पर्पस क्या था कि शेयर होल्डर्स टैक्स इवेजन करेंगे, छोटे मोटे डिविडेंड रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन अब ऑलरेडी डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन है अभी. अब जो डिविडेंड आता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिजिटली रिफ्लेक्ट होता है. पहले क्या था, छोटे मोटे सर्टिफिकेट आते डिविडेंड के जो बैंक में डिपॉजिट करने पे वो अमाउंट आता था. ठीक है, अब सब ऑनलाइन हुआ है. एंड डीमैट जैसे अकाउंट ओपन करते हो उसमें एक रुपए का भी ट्रांजेक्शन करोगे आप, उसका इन्फॉर्मेशन जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. एक रुपए का भी अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन जाता है. ओके, तो नाउ अगर डिविडेंड मिलेगा तो कैन वी स्किप दैट डिविडेंड, क्या इवेड कर सकते हैं? नहीं, इमीडिएटली नोटिस आएगी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता होता है कि आपने 10,000 अगर डिविडेंड कमाया एंड रिटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं किया, डेफिनेटली नोटिस आएगी. तो अब कंपनी के ऊपर यह बर्डन डालने में कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए 2019 में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कैंसिल करा एंड शेयर होल्डर्स को जो एग्जम दिया था वो भी कैंसिल किया. अब सिंपल सा प्रोविजन है, सपोज मेरी कंपनी है, मैंने आपको डिविडेंड दिया है तो आपका इनकम है तो आप उसके ऊपर टैक्स पे करोगे. आर यू ऑल गेटिंग? तो नाउ द प्रोविजन इज वेरी सिंपल, व्हेन कंपनी पेस डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स का ये डिविडेंड इनकम है, इस इनकम के ऊपर उनको टैक्स पे करना होगा. कौन सा रेट अप्लाई होगा? कोई स्पेशल रेट है? नॉर्मल रेट है. यस आई सेइंग समथिंग टीडीएस. हाँ, टीडीएस होगा ना, टैक्स डिडक्शन होगा तो टीडीएस के सेक्शन में, लेकिन टैक्स लगेगा इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, पहले टीडीएस भी नहीं होता. ओके, तो यहां पे टीडीएस होगा, लेकिन कंपनी टैक्स डिडक्ट करके ही पे करेगी. लेकिन वो तो हर एक मतलब कंपनी के एन नंबर ऑफ पेमेंट्स होते हैं उनके ऊपर इन एनीवे वो बर्डन रहता है. ओके, तो यहां पे शेयर होल्डर्स को अब टैक्स पे करना होगा. जितने इन्वेस्टर्स थे पहले से नाराज हुए थे कि अब हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है. फाइनेंशियल एसेट कोई चेंज नहीं था, क्योंकि पहले टैक्स पे होकर के मिल रहा था उनको, अब उनको टैक्स पे करने से पहले मिलेगा. यानी कि अब कंपनी कितना पे करेगी? 40 लाख पे करेगी. अर्लियर 32 लाख पे कर रही थी, अब 40 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उनके इनकम से टैक्स लेस होगा. राइट, तो एज सच फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन उनका कंप्लायंस बर्डन इंक्रीज हुआ. एंड साइकोलॉजिकली अब इन्वेस्टर इतना ज्यादा सोचते नहीं है, बस वो ये देखेंगे कि पहले हमारा डिविडेंड एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब टैक्सेबल हो रहा है. ओके, तो पहले से सारे शेयर होल्डर्स नाराज थे. ओके, एंड ये एनहांस सरचार्ज जब लाया गया तो जो बड़े इन्वेस्टर्स थे जैसे राकेश झुंझुनवाला, अंबानी और अदानी, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है उनका शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा होता है. विजय माल्या, इनका शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा होता है, तो इनको डिविडेंड से जो इनकम मिल रहा था वो डेफिनेटली मोर देन 5 crore था. राइट, अब इन्होंने सारे इन्वेस्टर्स ने गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि आपने 111A एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी से तो निकाला, लेकिन अभी डिविडेंड भी एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी में है. राइट, एंड
अगर आप डिविडेंड पे एनहांस सरचार्ज लगा रहे हो, मतलब इसके ऊपर जिसका डिविडेंड का इनकम 10 करोड़ है, इन्हें उसको 30% तो टैक्स पे करना होगा एंड सरचार्ज 37% से पे करना होगा। मतलब आप इनडायरेक्टली डिमोटिवेट कर रहे हो लोगों को कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके मत रखो, क्योंकि जिनको इन्वेस्टमेंट करके रखना है उनको इनकम क्या मिलेगा, रिटर्न के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा एंड डिविडेंड पे आप हेवीली टैक्स चार्ज कर रहे हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया 2019 में ही एंड फाइनेंस एक्ट 2020 में अगेन एक नया अमेंडमेंट आया सरचार्ज से रिलेटेड। अब अमेंडमेंट क्या था, एनहांस सरचार्ज में से ऑलरेडी दो इनकम निकाला गया था, कौन से 111A एंड 112A, इसमें एक और इनकम जोड़ा गया डिविडेंड। इंप्लीकेशन ये हुआ कि अगर आपका अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक, तो अदर इनकम पे सरचार्ज क्या रेट से लगेगा, 25%। ये 3 इनकम पे सरचार्ज क्या लगेगा, 15%। एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका अदर इनकम से 5 करोड़ के ऊपर है तो अदर इनकम पे सरचार्ज क्या लगेगा, 37%, लेकिन ये 3 इनकम पे 15% ही लगेगा, एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा। हैव यू अंडरस्टूड, दिस वाज अमेंडमेंट मेड इन फाइनेंस एक्ट 2020। तो ऊपर जो हमने प्रोविजन डिस्कस करी थी, कहां देखा था हमने, यहां पे, तो इसमें अदर इनकम के साथ एक और इनकम ऑफ डिविडेंड जोड़ना होगा। आर यू ऑल गेटिंग, तो डिविडेंड पे जो टैक्स आएगा उस पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ स्टोरी समझ रहे हैं हम, प्रोविजन का इंप्लीकेशन एग्जांपल के साथ समझेंगे, दैट टाइम विल अंडरस्टैंड बेटर द कैलकुलेशन ऑल्सो। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्दर, फाइनेंस एक्ट 22। अब यहां पे 3 इनकम को ऑलरेडी एक्सक्लूड किया गया था। अब फाइनेंस एक्ट बजट में निर्मला दीदी ने कहा कि स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स को हम पहले तो मोटिवेट कर रहे हैं एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि स्टार्टअप्स को जो एसेट सेल करना पड़ता है उसके ऊपर 112 लगता है। स्टार्टअप जो एसेट बेचेगा उनको 112 लगेगा एंड अगर उसकी मॉनिटरी वैल्यू हाई हो तो उस पर भी एनहांस सरचार्ज लग रहा है 37% से। तो एक तरह से आप स्टार्टअप को डिमोटिवेट कर रहे हो बाय चार्जिंग वेरी हाई रेट। तो 112 को भी एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी से निकाल दिया गया। तो एज ऑफ नाउ ये 4 इनकम एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी से बाहर रखे। कौन से इनकम, 111A, 112A, 112 एंड डिविडेंड, ये 4 इनकम एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी से बाहर रखे। ओके, इसका इंप्लीकेशन एग्जाम्पल से प्रॉपरली क्लियर होगा, बट बिफोर दैट विल राइट डाउन द समरी पॉइंट ऑफ इट। ओके, तो हेडिंग लिखिए, सरचार्ज सरचार्ज वी कैन राइट, यहां पे लिखते हैं इनकम एंड यहां पे सरचार्ज रेट एंड दिस इज द सिनेरियो व्हेन नॉर्मल टैक्स रेजिम इज अप्लाइड। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के केस में 115 बीएसए ऑप्ट करते हो तो सिमिलर है, बस एक छोटा सा चेंज है उसमें। ओके, वो अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 23 में करंट ईयर, लेकिन वो 115 बीएससी जब डिस्कस करेंगे दैट टाइम विल सी टू इट। तो फर्स्ट पॉइंट, टोटल इनकम डैश करके 0 to 50 lakhs, सरचार्ज रेट nil। अब यहां पे मैंने वर्ड क्या यूज किया, टोटल इनकम, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, राइट? अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अदर इनकम प्लस 111A वाला इनकम, 112A वाला इनकम, 112 एंड डिविडेंड, ये सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। Then again, total income
मोर देन 50 लाख्स अप टू 1 करोड़। अगेन टोटल इनकम मतलब क्या है यहां पे, सब कुछ सरचार्ज रेट विल बी 10%। जस्ट टेल मी, अगर आपका टोटल इनकम एग्जैक्टली 50 लाख हो तो सरचार्ज आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। यहां पे 250 लाख्स है, मोर देन 50 लाख्स अगर हो तो सरचार्ज आएगा। ओके, देन अगेन टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ सरचार्ज 15%। इसको डैश करके लिखो नॉर्मल सरचार्ज। अब लिखते टाइम टोटल इनकम नहीं लिख रहा हूं मैं, अदर इनकम मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, मैंने अदर इनकम लिखा है। एंड आपका 111A, 112A, 112 एंड डिविडेंड, इसमें कोई भी इनकम, कोई भी अमाउंट हो, एनी इनकम, तो ये जो अदर इनकम है इस पे सरचार्ज रेट क्या लगेगा? 25%। एंड ये जो इनकम है इस पे सरचार्ज रेट लगेगा 15%। जहां 25% लिखा है इसको एनहांस्ड सरचार्ज लिखिए। अदर इनकम मोर देन 5 करोड़ एंड 111A, 112A, 112 एंड डिविडेंड, एन इनकम यहां पे 37% एंड इन पे 15%। 37% को भी हमने एनहांस्ड सरचार्ज नाम दिया हुआ है। Completed? Now we'll see example on this. We'll solve example step by step. Means first we'll solve example when your total income is this 50 lakhs to 1 crore, the applicability of surcharge. Then we'll solve example on this. So these two examples will be very simple because total sare income pe flat yahan pe 10% or 15% hi lagana hai. So first two examples will be very simple. Yahan pe hume focus karna hai. Jab other income 2 crores ke upar hai and then these four incomes are also been given. Okay, so here the calculation will be very important. Chale, let's start with simple example. Write down example number ka bhi kaun sa hai abhi? 13. Okay, Mr. A resident, age say 50 years, tax calculate karna hai, just directly income likh. इनकम रुपीज
डिविडेंड 10 लाख, सप्तम कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 20 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 20 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 15 लाख एंड अदर इनकम 25 लाख. टोटल इनकम कितना आ रहा है? 30, 50, 90 लाख. तो माय टोटल इनकम इंक्लूडिंग ऑल दिस इनकम्स इज एक्सीडिंग 50 लाख बट लेस देन 1 करोड़. बराबर. तो यहां पे डिविडेंड पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज रेट क्या होगा? 10%. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111 पे जो टैक्स आएगा उस पे भी 10%, इस पे 10%, इस पे 10% एंड 10% फॉर ऑल द इनकम 10% ही लगेगा. इशू कब आएगा? जब 2 करोड़ के ऊपर जब जाएगा तो. राइट. टोटल इनकम क्या है मेरा? 1 करोड़ से नीचे है. तो फॉर ऑल द इनकम सरचार्ज रेट एप्लीकेबल विल बी 10%. यहां पे देखिए ऊपर हमने 10% एंड 15% में कोई सेपरेट नहीं किया, सेम एज इट इज लिखा है टोटल इनकम. जब 2 करोड़ के ऊपर अदर इनकम जाएगा तब इश्यू आएगा. ऑन सम इनकम इट विल बी एट 25% एंड ऑन सम इनकम इट विल बी एट 15%. तो लेट्स कैलकुलेट. राइट डाउन हेडिंग, विल कैलकुलेट साइमल्टेनियसली. Computation of tax liability of Mr. A. Right hand side, assessment year 24-25. Serial number particulars rupees. टोटल इनकम 90 लाख, टैक्स ऑन अबव, इसमें फर्स्ट टैक्स ऑन स्पेशल इनकम. अब इसमें एक एक करके स्पेशल इनकम देखिए क्या है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 111 है, इनकम कितना है? 20 लाख, टैक्स रेट 15%, टैक्स कितना आएगा? 3 लाख. अब इस पे वैसे सरचार्ज आएगा 10%, लेकिन व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट टोटल टैक्स ऑन स्पेशल इनकम. एक ही बार सरचार्ज 10% ऐड करते हैं. ओके. दूसरा स्पेशल इनकम कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, कितना इनकम दिया है? 20 लाख. तो यहां पे 20 लाख माइनस 1 लाख होगा 19 लाख पे 10%, 190,000. एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, इनकम कितना दिया है? 15 लाख. इस पे टैक्स रेट 20%, एनी इश्यू सो फार? इज इट करेक्ट व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड सो फार? तो हियर ये तीन ही स्पेशल इनकम है ना, बाकी अदर इनकम एंड डिविडेंड. डिविडेंड तो नॉर्मल स्लैब रेट से चार्ज होगा. जब हमने स्पेशल इनकम लिखा था तब डिविडेंड नहीं लिखा था. बराबर. तो यहां पे ये तीन ही स्पेशल इनकम है, तो टोटल कैलकुलेट करो इसका.
7,90,000. Add surcharge at the rate 10%. So total 8,69,000. Second. Tax on normal income. Normal income कौन सा है? Dividend normal income है and other income. बराबर dividend पे normal slab rates ही apply होते हैं, कोई special rate नहीं है. तो dividend 10 lakhs and other income 25 lakhs. Other income या normal income कितना हुआ? 35 lakhs. अब इस पे tax calculate करो. $8,62,500 इस पे सरचार्ज लगेगा. अब दिस इंक्लूड्स डिविडेंड इनकम आल्सो, लेकिन यहां पे डिविडेंड इनकम हो या अदर इनकम हो, सरचार्ज रेट क्या होगा? 10% ओनली. तो एड सरचार्ज एट द रेट 10%. तो आफ्टर एडिंग 9,48,750. So total tax 18,17,750. Add health education cess at the rate 4%. And after adding final tax liability, $18,90,460. Go through the calculation and see whether you understood each and every calculation. Any issue in it? Just let me know once if you have completed. Kai query hai, Harish? File? If it is related to subject, you can ask anytime. Done, everyone? Chalo. This was an example relating to first scenario where you are. Our total income is exceeding 50 lakhs but less than 1 crore. Now we'll see the example on second scenario where your income is more than 1 crore but less than 2 crore. Again, simple wala example. Can we solve? Second example. Example number 14. Mr. A, resident, age 40 years. Short term capital gains under section 111A 40 lakhs. Long term capital gains under section 112A 35 lakhs. Long term capital gains under section 112 55 lakhs. Dividend 10 lakhs, other income 50 lakhs. Total kitna ho raha hai? 490 lakhs. Is it correct? Just check from above scenario, जो हमने पांच scenario लिखा था उसमें कहां पे वो cover हो रहा है? ये जो ऊपर हमने लिखा था यहां पे cover नहीं हो रहा, यहां पे नहीं,
यहां पे देखिए थर्ड सिनारियो, टोटल इनकम इज मोर देन 1 crore बट लेस देन 2 crores, एंड ये टोटल इनकम में अदर इनकम 111 है, 112 एंड डिविडेंड सब कुछ आ रहा है, राइट? तो ऑल इनकम्स पे सरचार्ज होगा 15%, ऑल इनकम के ऊपर जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज होगा 15%. तो अगेन ये कैलकुलेशन इज सिंपल, हर एक इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, उस पे 15% सरचार्ज ऐड करना है, राइट? देखिए अगेन यहां पे सेम मैनर में आंसर, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज, टोटल इनकम 190 lakhs, टैक्स ऑन अबाउ, इसमें फर्स्ट हम स्पेशल इनकम पे कैलकुलेट करेंगे, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम कौन सा है, ये फर्स्ट 3 वाले, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 40 lakhs, टैक्स रेट यहां पे 15%, टैक्स आ रहा है 6 lakhs, देन सेकेंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, कितना इनकम दिया है 35 lakhs, 35 lakhs में से पहले तो 1 lakh लेस होगा, 34 lakhs, इस पे 10%, 3 lakhs 40,000, 112 वाला इनकम कितना है 55 lakhs, उस पे 20%, 11 lakhs आएगा, 20 lakhs 40,000. अब इस पे सरचार्ज ऐड होगा, ऐड सरचार्ज एट द रेट 15%, क्योंकि मेरा टोटल इनकम अब 1 crore के ऊपर है, 2 crore के नीचे है, कितना आ रहा है 3 lakhs 6,000, 23 lakhs 46,000, any issue in this? Then second tax on normal income, so normal income kitna yahan pe, डिविडेंड वाला नॉर्मल इनकम है एंड अदर इनकम भी नॉर्मल इनकम है, 60 lakhs, 60 lakhs पे टैक्स, हाउ मच अर्निंग 26 lakhs, 25,000, इज इट करेक्ट, गलत किया गया मैं, सॉरी 50 lakhs पे 13, हाँ गलत किया मैंने, 10 एक्स्ट्रा हो गया यार, 16 lakhs 12,500, अब इस पे सरचार्ज एट द रेट 15% ही आएगा, 241875, 18 lakhs 54,375 टोटल, $42,375, इस पे हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऐड करेंगे, आफ्टर एडिंग यू आर गेटिंग 43,68,390, दिस इज फाइनल
टैक्स लाइबिलिटी। वी आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली टैक्स्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, अपने यहां पे करप्शन इतना है, कैसे करेंगे? देश चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? डन। चलो अब इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम्पल। हैज एवरीवन कंप्लीटेड टिल ईयर? यहां तक सिंपल था। और ये तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सरचार्ज डिस्कस कर रहे हैं, टैक्स रेट डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए सेम है वैसे, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म का अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, उसका टैक्स रेट सरचार्ज, कंपनी का डिस्कस नहीं किया टैक्स रेट सरचार्ज, बट फॉर्चुनेटली दैट इज वेरी सिंपल पार्ट एंड एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेशन है। फर्म के लिए स्ट्रेट ओवर, कोई स्लैब रेट नहीं है, एक रुपए कमाते हो तो 30% टैक्स रेट है, सिंपल है। वहां पे 10 रुपए कमाते हो तो 3 रुपए टैक्स रेट। सरचार्ज भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो 12% सरचार्ज, ऐसे सिंपल सिंपल प्रोविजन है, इसीलिए तो एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। इंडिविजुअल के ऊपर इतने सारे प्रोविजन है तो एग्जाम में इंडिविजुअल पे ही क्वेश्चन आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 15। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एवरीवन अवेक? क्या मुझे आप बताओगे टैक्स कैलकुलेशन? ओके, एंड आई नो यू आर गोइंग टू डू द मिस्टेक। डिविडेंड 51 लाख, चलो ये मिस्टर ए रेसिडेंट, एज 50 इयर्स, काय सिद्धांत काय होणार आहे साहेब? तो तुम्हाला पाहिजे, तुम्ही स्वतःसाठी एसएससी होऊ शकताय, तुमचं स्वतःचं नाव टाकायचं काय प्रॉब्लेम? एस शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 44 लाख। लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, 42 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, 55 लाख। एंड अदर इनकम 3 करोड़। टोटल कितना हो रहा है? टोटल इनकम 4 करोड़ 92 लाख। जिस चेक करो, अब अपना जो ऊपर हमने टेबल बनाया था उसमें कौन से सिनारियो में कवर हो रहा है? देखिए ऊपर हमने लिखा था टोटल इनकम 50 लाख टू 1 करोड़, उसमें तो नहीं आ रहा। 1 करोड़ टू 2 करोड़ में भी नहीं आ रहा। अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है एंड देर आर सम दीज 4 इनकम्स। अब अदर इनकम जो है वो 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से नीचे, ये वाला इनकम की बात कर रहा हूं मैं। तो इन दैट केस अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज रेट क्या होगा? 25%। एंड ये जो 4 इनकम है इन पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज क्या होगा? 15%। इस पे एनहांस सरचार्ज नहीं होगा, राइट? अब तक के एग्जांपल में हमने जो नॉर्मल इनकम है उसमें डिविडेंड एज वेल एज अदर इनकम इंक्लूड करके करा था, क्योंकि दोनों पे सरचार्ज सेम ही था। अब मुझे डिविडेंड पे भी अलग टैक्स कैलकुलेट करना है एंड अदर इनकम पे अलग टैक्स कैलकुलेट करना है। ओके, लेट्स सी, राइट डाउन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। राइट हैंड साइड ए वाई 24, 25।
serial number particular rupees. Rupees. Total income 4 crores 92 lakhs. Tax on above. Normally, first we calculate on special income. So, tax on special income. This is my first short-term capital gains under section 111A. Kitna diya income? 44 lakhs. Tax rate 15%. Kitna aega? 66 lakhs. Sorry, 6,60,000. Second, long term capital gains kaun sa diya question mein? 112. Under section 112. Kitna hai? 42 lakhs. 20% se. 8,40,000. Then see long term capital gains under section 112A. Income kitna diya? 55 lakhs. 55 lakhs minus 1 lakh. 54 lakhs pay 10%. 5,40,000. कितना आ रहा है? 20,40,000. इस पे सरचार्ज डिविडेंड स्पेशल इनकम नहीं ना, तो नॉर्मल इनकम मिलेंगे नीचे. एंड डिविडेंड पे जो टैक्स आएगा उस पे भी नॉर्मल सरचार्ज, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं करेंगे. स्पेशल इनकम में ये तीन इनकम है, डिविडेंड अपना नॉर्मल इनकम है, तो इसलिए मैं नीचे ही लिख रहा हूँ. ओके, तो सरचार्ज एट द रेट 15%. 3,06,000. तो स्पेशल इनकम पे टैक्स कितना आ रहा है? 23,46,000. नाउ सेकंड, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम. अब मुझे आप बताओगे टैक्स अदर इनकम पे कितना है, डिविडेंड पे कितना. अदर इनकम कितना यहां पे? 3 करोड़ है ना. अच्छा, यहां पे टैक्स ऑन अदर इनकम कितना रहा है? डोंट राइट, जस्ट फर्स्ट टेल मी कितना रहा है, विल डिस्कस फर्स्ट. कितना रहा है? हाउ कम 88 लैक्स आ रहा है ना. 88 लैक्स, 12,500. 3 करोड़ है ना, तो 3 करोड़ माइनस 10 लैक्स इंटू 30% प्लस 1,12,500. 88 लैक्स, 12,500. अच्छा, और डोंट राइट, फर्स्ट विल डिस्कस. टैक्स ऑन डिविडेंड कितना आएगा? डिविडेंड इनकम कितना दिया है? 51 लैक्स. इस पे टैक्स कितना आएगा? 13,42,500. इज इट 13,42,500? हियरिंग सेम आंसर और डिफरेंट आंसर? सेम आंसर. इसका मतलब आपने क्या किया, अदर इनकम पे पहले 10 लैक्स का बेनिफिट लिया कंसेशनल वाला, राइट. डिविडेंड इनकम में भी 10 लैक्स का बेनिफिट लिया कंसेशन वाला, यानी कि 20 लैक्स का बेनिफिट लिया. आप तो निर्मला दीदी से ऊपर निकले. क्या दो दो इनकम के अगेंस्ट 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा? ये जो पहले 10 लाख हमने कैलकुलेट क्या किया था, 0 to 2.5 लैक्स नील,
2.5 lakhs till 5 lakhs, 5%. आपने यहां पे भी ये बेनिफिट लिया एंड डिविडेंड के अगेंस्ट भी ये बेनिफिट लिया, 10 लाख लेस किया, मतलब क्या दो दो जगह ये 10 लाख का जो फर्स्ट 0 to 2.5, 2.5 to 5 and 5 to 10 ये बेनिफिट दो जगह मिलेगा? नहीं, सिर्फ एक जगह मिलेगा, ठीक है? तो यहां पे कैन आई से डिविडेंड विल बी ओवर एंड अबाउट 10 लाख, 10 लाख के ऊपर वाला इनकम होगा, तो इस पे कितना टैक्स आएगा? डायरेक्टली 30%, बराबर ना? विल शो लाइक दिस, यहां पे देखिए मेरा टोटल नॉर्मल इनकम कितना है, नॉर्मल इनकम अदर इनकम 3 crores प्लस डिविडेंड 51 lakhs, यानी कि टोटल 3.51 crore, राइट? ये मेरा नॉर्मल इनकम है. एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग. 0 to 3.51 crores सरचार्ज भूल जाओ, पहले बेसिक टैक्स पे आते हैं, ओके? 0 to 3.51 crores पे मुझे नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, यानी कि 0 to 2.5 lakhs तक नील, 2.5 lakhs तक से 5 lakhs तक 5%, 5 lakhs से लेकर के 10 lakhs तक 20%, एंड 10 lakhs के ऊपर वाला ये जो इनकम है ये होगा 30%. इज इट राइट? अब ये 3.51 में 3 crores नॉर्मल इनकम है एंड अदर इनकम है एंड 51 lakhs डिविडेंड है, राइट? अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट 10 lakhs ये जो लोअर रेट वाला बेनिफिट है मैं नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट लू या डिविडेंड के अगेंस्ट लू, दोनों के अगेंस्ट तो नहीं मिलेगा, बराबर? क्योंकि नॉर्मल इनकम एक ही है, राइट? तो फर्स्ट 10 lakhs का बेनिफिट आइदर आई कैन टेक अगेंस्ट अदर इनकम, तो डिविडेंड इनकम क्या होगा? यहां पे अगर मैं अदर इनकम पहले लू तो ये 3 क्रोस पहले जा रहा है, राइट? इसके अगेंस्ट मैंने ये बेनिफिट लिया, ओके? समवेयर यहां पे सपोज, तो इसके ऊपर वाला ये जो इनकम है ये 51 lakhs ये डिविडेंड है, इन एनी वे 10 लाख के ऊपर वाला ये इनकम है, तो इस पे टैक्स रेट क्या होगा? 30% फ्लैट, राइट? ये एक अप्रोच हुआ. सेकेंड अप्रोच व्हाट आई कैन डू, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग फर्स्ट 10 लाख बेनिफिट्स अगेंस्ट अदर इनकम, मैं पहले यह मान के चल सकता हूं कि यहां तक मेरा पहले डिविडेंड इनकम है, तो डिविडेंड के अगेंस्ट पहले 10 लाख का बेनिफिट लू, राइट? एंड यहां से आगे ये जो 3 क्रोर्स है ये अदर इनकम है, तो इन्हें भी ये 10 लाख के ऊपर वाला इनकम है, तो ये वाला जो इनकम है इस पे भी 30% होगा एंड 3 क्रोर्स पे डायरेक्टली अब 30% टैक्स लगेगा. इज इट राइट? क्या दोनों अप्रोचेस करेक्ट है? दोनों अप्रोचेस करेक्ट है, ठीक है? क्योंकि वैसे तो दोनों मेरे नॉर्मल इनकम ही तो है, बराबर? अगर यहां पे सैलरी इनकम मेरा 10 लाख है, पीजीबीपी इनकम 15 लाख है, 25 lakhs, अब इसके अगेंस्ट में फर्स्ट 10 लाख लेस करूं, तो सैलरी से लेस करूं या पीजीपी से लेस करूं, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं. आइए चेक करके देखते हैं. अगर मैं फर्स्ट अप्रोच कंसीडर करूं कि मैं नॉर्मल इनकम पहले ले रहा हूं, ठीक है, तो नॉर्मल इनकम एंड डिविडेंड इनकम, फर्स्ट नॉर्मल इनकम कितना है? 3 lakhs. 3 लाख के अगेंस्ट में फर्स्ट 3 crores के अगेंस्ट में फर्स्ट 10 लाख का बेनिफिट ले रहा हूं, तो यहां पे टैक्स कितना आएगा नॉर्मल इनकम अगर मैं फर्स्ट ले रहा हूं तो? 3 क्रोर्स में से 10 लाख लेस होगा, उस पे 30% प्लस 1,12,500, कितना आ रहा है? 88 lakhs 12,500. तो ये जो डिविडेंड वाला इनकम होगा 51 lakhs, ये इन एनी वे 10 लाख के ऊपर वाला इनकम है, अभी इस पे फ्लैट अब 30% से टैक्स लगेगा, 15,30,000 टोटल. कितना आएगा टोटल टैक्स? 1 crore 3 lakhs 42,500. फर्स्ट अप्रोच मैंने पहले अदर इनकम कंसिडर करा है एंड देन डिविडेंड इनकम कंसिडर किया हुआ, ओके? नाउ सेकेंड अप्रोच, इफ आई कंसिडर फर्स्ट एज डिविडेंड एंड देन अदर इनकम, यानी कि क्या होगा, यहां पे पहले 51 lakh में से पहले 10 lakhs लेस होगा, इस पे 30% प्लस 1,12,500, ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, 13,42,500, राइट? तो उसके बाद ये जो 3 crores वाला अदर इनकम है ये इन्हें 51 lakhs के ऊपर वाला इनकम है, बराबर? तो इस पे क्या होगा? फ्लैट 30%, क्योंकि 10 lakhs वाला बेनिफिट तो ऑलरेडी यहां पे मिला है, बराबर? ये कितना आएगा? 90 lakhs टोटल करके देखो, 1 crore 3 lakhs 42,500.
सेम आ रहा है? तो कोई पॉइंट था ये सब डिस्कस करने से? अगर कोई पॉइंट ही नहीं था तो डिस्कस क्यों करते? सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी अलग है, सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी अलग है। अब देखिए यहां पे जब हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे, एवरीवन पे अटेंशन, नॉर्मल इनकम या अदर इनकम कंसिडर करते, अदर इनकम पे सरचार्ज रेट क्या होगा? 25%। तो इस पे 25% से कैलकुलेट करो, 88,12,500 पे 25%, 22,03,125 टोटल कैलकुलेट करो, यहां पे 1,10,15,625। एंड अब डिविडेंड पे भी सरचार्ज आएगा ये 15,30,000 पे, लेकिन डिविडेंड पे सरचार्ज रेट क्या होगा? 15%। एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। तो 15,30,000 पे 15%, 2,29,500। तो ऐड करने के बाद ये कितना आ रहा है? 17,59,500। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? आफ्टर एडिंग 1,27,75,125, राइट? एंड यहां पे ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट, ये 90 लाख पे अब सरचार्ज ऐड करेंगे। ये 90 लाख टैक्स किसका है? अदर इनकम वाला है। तो इस पे सरचार्ज आएगा 25% से। तो 90 लाख पे 25%, 22,50,000। तो टोटल 1,12,50,000। एंड ये जो डिविडेंड वाला टैक्स है उस पे सरचार्ज लगेगा 15% से। तो 13,42,500 इंटू 15%, 2,01,375। तो टोटल आ रहा है 15,43,875। तो आफ्टर एडिंग दिस हाउ मच यू आर गेटिंग? 1,27,93,875। अब देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी कहां पे ज्यादा आ रहा है? सेकेंड सिनारियो में ज्यादा आ रहा है। नॉमिनली भले डिफरेंस है लेकिन सेकेंड सिनारियो में ज्यादा आ रहा है, फर्स्ट सिनारियो में टैक्स कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि जो कंसेशन था 10 लाख वाला कंसेशन, ये किसके अगेंस्ट लेना एडवाइजेबल था? वो इनकम के अगेंस्ट जिसके ऊपर इनमें सरचार्ज हायर है। जहां पे सरचार्ज हायर है वो इन टैक्स हमें कम करना है। तो यहां पे 10 लाख अगर हम बेनिफिट लेते हैं तो जिसपे सरचार्ज 25% है वो वाला टैक्स अपना कम होगा, तो ऑटोमेटिकली ये सरचार्ज भी कम होगा। सेकेंड सिनारियो में ये 88 लाख की जगह यह 90 लाख आ रहा है। मतलब वो टैक्स जिसपे सरचार्ज 25% है वो इन्हें अपने हायर दिखाया, तो ये ऐड करने के बाद हायर ही आएगा। जस्ट अ सेकंड, हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो यहां पे करना क्या है, जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो अपना डिविडेंड एंड अदर इनकम दोनों नॉर्मल इनकम में, लेकिन हमें टैक्स सेपरेट क्यों करना है? क्योंकि सरचार्ज रेट अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अदर इनकम पे जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे 10 लाख का बेनिफिट यहां पे लेंगे, ओके? एंड डिविडेंड वाला जो इनकम है इन्हें भी 10 लाख के ऊपर वाला है, तो इस पे टैक्स लगेगा डायरेक्टली 30% पे, ओके? सॉरी, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? We have to show the calculation and we'll write a note for it also. Okay? लेकिन implication समझ में आया? तो कहां तक लिखा था हमने? Normal income लिखा था ना? एकदम। Second, tax on normal income. इसमें फर्स्ट टैक्स ऑन अदर इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। पहले इनकम लिखिए कितना है, 3 crores। नेक्स्ट लाइन टैक्स दिखाइए, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था यहां पे। ये 3 crores के अगेंस्ट पहले 10 लाख का बेनिफिट लेंगे, तो ये वाला लिखेंगे
88,12,500 जस्ट मैंने इनकम लिखा है पहले, इनर कॉलम में जस्ट इनकम लिखे, उसके नीचे टैक्स लिखे या अदर इनकम लिख सकते हो पहले यहाँ पे। तो टैक्स कितना आ रहा था यहाँ पे, वर्किंग दिखाइए, 3 crores minus 10 lakhs into 30% plus 1,12,500 88,12,500 add surcharge at the rate 25% अब ये 22,03,125 टेक टोटल इनटू आउटर कॉलम 1 crore 10 lakhs 15,625 सेकंड डिविडेंड 51 lakhs टैक्स ऑन डिविडेंड 51 lakhs इंटू, अब फ्लैट 30% से टैक्स लगेगा क्योंकि डिविडेंड वाला इनकम है, 10 लाख के ऊपर वाला ही इनकम है अभी। 15,30,000 इस पे सरचार्ज आएगा एट द रेट 15% 2,29,500 तो आफ्टर एडिंग 1,759,500 एंड नाउ टोटल टैक्स ना कितना रहा है ऊपर, ये स्पेशल इनकम पे कितना कैलकुलेट किया था 23,46,000 प्लस ये वाला 4% फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कितना है 1,57,25,970 राउंड ऑफ करके ही आया है। एज सिंपल एज दैट। डन। एक एग्जाम्पल लूं देता हूं बस, एक और एग्जाम्पल होमवर्क के लिए ट्राई करता हूं। डन। नोट लिखिए पहले एक, व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम while calculating tax on normal income and dividend, comma, benefit of concessional slab rates of first 10 lakhs should be taken against normal income slash other income, normal income या other income, and dividend
will be subject to tax rate of 30%. Dividend will be subject to tax rate of 30%. Bracket mein, assuming it is over and above rupees 10 lakhs. डन। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल होमवर्क के लिए आप ट्राई कर सकते, ठीक है? आंसर विल डिस्कस टुमारो, दो मिनट लगेंगे बस। एग्जांपल नंबर 16, राइट डाउन। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर, कौन चाहिए अभी आपको? हाँ, एस फॉर स्वरूप सर, रेसिडेंट, एज 75 इयर्स। सैलरी 2 crores, पीजीबीपी 1 crore, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 60 lakhs, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 20 lakhs, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 20 lakhs, कैजुअल विनिंग्स 10 लाख, ऑनलाइन गेमिंग 10 लाख, कुछ बचा क्या? डिविडेंड बचा ना, चलो डिविडेंड भी कंसिडर करते हैं। क्या है? डिविडेंड से 20 लाख, कितना हुआ टोटल इनकम जरा बताइए? 4 crores 40 lakh, 1% है हमारा इनकम। चला कैलकुलेट करा, ठीक है? हाँ, होमवर्क, ठीक है, ट्राई दिस फॉर होमवर्क, विल सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गेट करेक्ट आंसर। चलो, विल कंटिन्यू टुमारो, टुमारो ऑल्सो विल सॉल्व सम एग्जाम्पल्स, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस ओनली। वंस वी कंप्लीट विद दिस पार्ट, ये जो सरचार्ज पार्ट जो है, वंस वी कंप्लीट, ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, ओके? क्योंकि बाकी के जो टैक्स रेट है, पार्टनरशिप वगैरह, उसमें कुछ नहीं है, दो दो मिनट का ही डिस्कशन है, ओके?